आप लोग कैसे चुड़ाओ माँ माँ कोई ना कोई जरूर उपाय होगी माँ माता जी कहिए टुकड़े जी कहिए क्या बात है टुकड़े जी कि जैसे अमृत की माँ अरे वैसे मेरी हूँ माँ जैसे अमृत की माँ वैसे मेरी हूँ माँ आप रोक कर मुझे ना हरि दिलाओ ये भी आपको 500 रुपये और देती हूँ मैं अपने पति को जल्दी छुड़ाओ अब ठुकराई जी मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए ठुकराई जी मुझे माफ नहीं माता माता जी ये आप क्या कह रही हैं माता जी ठुकराई जी मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए आपके बापू ने 500 रुपये कर्जा दिया 500 रुपये के लिए मेरे पति को कैद करके ले गए ठुकराए जी अगर मैं आपसे पैसे लेती हूँ तो आप न जाने मेरे घर परिवार को क्या करेंगी ठुकराए जी माता जी ये आपको पैसा दे रही हूँ मैं इसे कर्ज मत समझिए माता जी मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगी ये पैसे सुनो ठुकराए जी गरे ठाकुर को ये बात मालूम माता जी डरने की कोई बात नहीं माता जी सुनिए कि ऐसे संसार में कोई अरे पैदा नहीं ऐसे संसार अरे ऐसे संसार में कोई पैदा हर तुम्हारे लाल को गोली मारने वाला नहीं तुम्हारे लाल को अरे तुम्हारे लाल को गोली
हर मारने वाला नहीं, हर आप को 500 रुपये देती हूँ मैं आप। आपको 500 रुपये देती हूँ मैं, अरे अपने पति को जाकर ही छोड़ा वो अभी अपने पति। माता जी देने की कोई बात नहीं है, माता जी मैं आपके साथ हूँ, आप पे 500 रुपये ले लीजिए माता जी, मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगी। अरे ये तो है मेरे साथ अमृत पड़ता है ठकुराल जी, अगर मैं ये पैसा ले लेती हूँ आपके घर वालों को पता चला तो मैं क्या जवाब दूंगी ठकुराल जी? ये तो सब जानते हैं अमृत, तो हमें एक ही क्लास में पढ़ते हैं, अब अमृत जाएगा वहां पर बोल देगा स्कूल का वो जीफ आया था मैं वही लेकर आ रहा हूँ अपने पिताजी को छोड़ाने के लिए। नहीं माता जी, राम भरोस आपका दिल दरिया है, राम भरोस ये तुम जानते हो मैं गरीबों की कितनी सहारा करती हूँ, और मेरे पिताजी अपने जमींदारी में रहते हैं, उनके पास घमंड है और गरीबों के बहुत सताते हैं, मेरे अंदर जमींदारी नहीं है राम भरोस, मैं गरीबों की बहुत मदद करती हूँ, अगर कोई गरीब भूखा है या पैसा है मैं उसे पानी और खाना खिलाती हूँ और पैसे देती हूँ। अरे आप इंसान ना, आप भगवान है, आपको तो दिल दरिया। माता जी ये आप पैसा लीजिए माता जी, आप धन्य हो टिकराल जी। देवी जी, हाँ मेरे जो आज मुझ पर आप एहसान की हैं मैं कैसे चुकाऊंगा? नहीं मेरे ये एहसान की बात नहीं है, आप एहसान की बात कर रहे हैं ठीक है, आप एहसान की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगी वहीं पर आप पैसा चुका देना मेरे। पीछे नहीं हटेगा ठीक है मेरे माता जी, मैं जा रही हूँ, अगर कोई आपके घर देख लेगा तो मेरे पिताजी को बता देगा तो मेरे पिताजी बहुत डांटेंगे। ठीक है ठकुर जी, हम चलिए ठीक है। जल्दी जा, काका के लिए आया हुआ है। अमृत बेटा, माँ मेरे लाल, मैं जा रहा हूँ माँ, मेरे लाल ये लो पैसा, अपने बाबूजी को जाओ छुड़ा कर ले आओ मेरे लाल, जब तक तुम्हारे बाबूजी को मैं देखूंगी नहीं तब तक पानी तक ले पीऊंगी मेरे लाल, पानी तक ले पीऊंगी। मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं अवश्य। अपने बाबूजी को छुड़ा ले, मैं भी चल रही हूँ, इंतजार करते जारी जारी लोर जारे, जारी जारी लोर जारे, अवतार माई ए विधाता हो, ए विधाता हो, समैया कहवा लेके जाई बिठाता हो, जर जर
कैसे रहिया सुखवा छोड़ा दे ले बा अबली के भैया चली कैसे रहिया सुखवा छोड़ा दे ले बा अबली के भैया सुखवा छोड़ा दे ले बा अबली के भैया जर जर लो रगी रे जर जर लो रगी रे आवा करवाई ए विधाता हो समैया कहवा लेके जाए हथकड़ी सराम जादी की खोल दो और इसे लगाओ 50 सेंटर अरे मदद कर दे मौला मदद की घड़ी मदद कर दे मौला मदद की घड़ी है हर लैया मेरिया विपत्ति में पड़ी भगवान 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 मदद करो भगवान हे मालिक मदद करो भगवान मुझे कुछ नहीं दिखाता भगवान मदद करो भगवान मदद करो बलखुआ आज तो रोज हो गया ना तो तुम्हारे मकान से कोई देखने आया और ना पैसा लेके आया मेरे मकान से कौन आएगा अभी एक मेरा बच्चा छोटा है और बड़ा बच्चा मेरा पता नहीं कहां चला गया मुझे कुछ खबर नहीं है मैं क्रोध में आ करके बड़े बच्चा को मार दिया वो गुस्सा में कहां चला गया अभी तक कोई खबर नहीं चली और मेरा छोटा बच्चा अभी नदान है वो स्कूल जाता है वो भी भूखा तड़पता होगा ठाकुर साहब मेरे घर से कौन आएगा ठाकुर साहब कौन मुझे चुराने आएगा बड़कुआ तू पैसा देता है या बकवास करेगा ठाकुर साहब मैं कहां से समय दूं ठाकुर साहब तू हाथ ऊपर कर जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक यहां पर तुम्हारे पास रहेगा भगवान इस बुढ़ापा में बड़कुआ हाथ पकड़
जा रही 500 रुपया कर्जी है तो लीजिए मारने के लिए पग बढ़ाना घोड़ा हर खिज रुकेगा नहीं रंजीत सिंह क्या तुम्हारा पैसा तुम्हें मारने से मिलेगा तू अपना पैसे पकड़ और मैं अपने पिताजी को यहाँ से ले जा रहा हूँ रंजीत सिंह देख ले तेरा पैसा पूरा है या नहीं तू ले जा यहाँ से अपने बाबू के हाथ ले जा जल्दी कर नजर से सामने दूर कर अरे भैला सहारा अरे भैला सहारा बुढ़ौती में लाल तू ही भैला ये साला मुझे गाली दे रहा है ये हर राम ज्यादा तू साले गाली देगा बहुत साले पगा साला महाराज क्या बात समझ आ रही है क्या मृतवा इसका पिता एक टाइम खाता है दूसरे टाइम इंतजार करता है सोचता है लेकिन ये साला इतने गुस्से में आया हमारे ऊपर हमारे मुंह पर 500 रुपया फेंक दिया यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा रंजीत ये हराम ज्यादा रुपया पाया कहां से ठाकुर साहब इस बात को पता करना बहुत जरूरी होगा कि ये साला 500 रुपया कहां से लाया और गुस्से में हमारे मुंह पर फेंक दिया ये सत्य है रंजीत इसका पता बहुत लगाना जरूरी है ठीक है रंजीत सिंह चलो यहाँ से पता लगाया जाए चलते महाराज के पैसा पाया कहाँ से जैसे चलते हैं सबसे पहले पता करेंगे कि ये 500 रुपया साला अमितवा कहाँ से पाया अरे साले तुझे नहीं मालूम है कि बगैर महाराज की आर्डर का ना कोई स्कूल में जीफा देता है ना किताब देता है ना कोई वस्त्र देता है अच्छा और क्या और सो चलते हैं मास्टर जी अरे दुनिया से जब गए नबी अरमान रो दिए दुनिया से जब Yeah.
बेटा बताओ अभी तक कभी बेटा आया नहीं अपने बाबूजी के लिए। ठीक है मैं इंतजार करती हूँ, उसके बाबूजी के लिए खाना भी निकाल के रख देती हूँ। पिताजी को ले आया माँ। अरे अमृत बेटा तुम आ गए मेरे लाल, तुम आ गए। सुनो माँ, ठाकुर साहब ने रंजीत को हाथ से इतना मार, पिताजी को खिलवाए हैं, पिताजी को पूरा बदन दर्द कर रही है, इसलिए मैं कहता हूँ माँ पिताजी को गर्म तेल करके लगा दो, मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है माँ। ठीक है मेरे लाल, तुम जाओ स्कूल चले जाओ और मैं तुम्हारे बाबूजी को तेल गर्म करके मालिश कर दूंगी। ठीक है मेरे लाल। अमृत के बाबू आपको क्या जरूरत है बड़े लोगों से उलझने की, आपको मालूम है वो सब कितने निर्दयी होते हैं। अमृत के माँ मैं उन लोगों से कोई बात नहीं किया, मैं उनसे कर्जा 500 रुपया लिया था जब घर में खर्चा नहीं था, उसी 500 रुपये के लिए ठाकुर साहब ने मुझे बहुत पीटा, बहुत मारा, शरीर इतनी दर्द कर रही है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अमृत के माँ, अमृत के बाबू, ठीक है अमृत के बाबू चलो मैं तुम्हें तेल गर्म करके मालिश कर देती हूँ। ठीक है अमृत के माँ चलो। अरे घाटा घोरानी, अरे घाटा घोरानी, अवधु गगनई घाटा हो घोरानी, अरे घाटा घोरानी, अरे घाटा हो घोरानी, अवधु गगनई दिनेश का बहनोई दाना दर्द का गोली ले हुए बदे। ठीक है भगवान, दिनेश को बोलने डाले हम 10 रुपया की जगह पे 10 लाख का बरकत दे। ठीक है हम जाते हैं दर्द का गोली ले ले। ये भैया लगन बड़े बड़े दिन के बाद हमार पारी आई, लगभग 5-7 महीना हो गए ढेर ना बकिन अक्कल तर्जी बड़ी कचा के खाई मास्टर दुई लाइन। अरे यो अपने जमाने के मानल जानल तर्जी मास्टर जाज वा कवल तर्जी यहाँ हो जा झार, यही बजे कितना जने जेले मोली आ गई ने कहे जा झार, यही बजे कितना जने जानवर के साथ चल गई ने कहे जा झार, ये मास्टर यही बजे कितना जने के दौड़ा के हेराए लगा था तर से मार गई ने कहे जा झार। तनकी रिरिया तो पुरान हो गई लेकिन ये मास्टर गनवा देखा बड़ा कचकचा। अरे सासु कुमार है, सासु कुमार है, ननद के कचारी के जा झार के, सासु कुमार है, ननद के कचारी के जा झार, लात मारली भतार के जा झार, लात मारले भतार के जा झार के, परिवार भर के उपवास परिवार दूर रहा
बतार के जा झर के, लात मार ले बतार के जा झर के। अरे सुन कसा लाई दिल बहा छोटी नाना, सुन कसा लाई दिल बहा छोटी नाना।